महोबा जनपद में विद्युत कर्मियों की हड़ताल के कारण विद्युत व्यवस्था प्रभावित हुई है। आउटसोर्सिंग कर्मियों के कार्य न करने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए डीएम ने कुछ कर्मियों की सेवा समाप्त करने के भी आदेश दे दिए हैं। बता दें, प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा आज से हड़ताल की जानी है, जिसके तहत महोबा जनपद में आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों ने आज से हड़ताल की शुरुआत कर दी है, जिसके चलते जनपद में कई जगहों पर कल रात से बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से प्रदान नहीं हो पा रही। जैसे ही यह मामला जिलाधिकारी मनोज कुमार के संज्ञान में आया तो विद्युत आपूर्ति बाधित रही। उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए ऐसे कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने के भी आदेश दिए। ऐसे कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ, नए लोगों की भर्ती की कार्रवाई भी की जा रही है। जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनका हड़ताल का आह्वान था और जिसमें प्रक्रिया की गई थी, लेकिन आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उनका हड़ताल से कोई लेना नहीं। अचानक कुछ आउटसोर्स के कर्मचारी हड़ताल पर गए, जिसमें 5 व्यक्तियों को राज निकाला गया है और उनके जगह 5 नए व्यक्तियों को कंपनी के द्वारा भर्ती किया गया है। यहाँ पर 7 व्यक्ति और हैं जिनको अभी नौकरी से निकाला जा रहा है और उनकी जगह 7 नए भर्ती की जाएंगी। कुल हम लगभग 40 व्यक्ति नए मंगाए हैं। तो किसी भी आउटसोर्स को ये कार्य बहिष्कार का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका पर डे का कार्य और पर डे का वेतन होता है सर। कुछ और आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत ये अवैध घोषित है, तो उनके खिलाफ जितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके खिलाफ जो है FIR की है। हम लोग आज जो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं वो माननीय मनपोरिया मंत्री के साथ में समझौता हुआ है, उसके अनुपालन के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि हम जो प्रदेश की जनता है उसके साथ में, प्रदेश की सरकार है उसके साथ में है, लेकिन जो समझौता हुआ है प्रदेश की सरकार के माननीय मंत्री जी ने किया है उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन में जो सरकार की छवि जो नकारात्मक जा रही है उसके पॉजिटिव करने की है कि जो समझौता सरकार ने किया उसका अनुपालन हो, इसलिए हम लोग पिछले 24 घंटे में शहर में कई जगह विद्युत बाधित है, ऐसे में आप लोग काम पर नहीं है तो आम जनमानस को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। तभी बार बार हमने आपने देखा हुआ पिछले 20 फरवरी से हम बार बार अनवरत हम बता रहे थे कि ऐसा आप अनुपालन कर लीजिए, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे उन्होंने ये कहा था कि 15 दिन में आपके समझौता का अनुपालन करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNews।